हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे DHCP मोबाइल कंप्यूटिंग का हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। सो DHCP इन मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। सो इम्पॉर्टेंट ऑफ DHCP इन मोबाइल कंप्यूटिंग भी देखेंगे एंड किस तरह से पूरा DHCP काम करता है उसको भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो DHCP बेसिकली होता क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। सो ये बेस्ड होता है बूट पी, जो कि होता है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, उसके ऊपर बेस्ड है आपका DHCP। अब होता क्या है, सो इफ अ न्यू नोड या फिर कोई सिस्टम या डिवाइस कनेक्ट होती है नेटवर्क से, सो DHCP उसको प्रोवाइड करता है, उस नोड को, उस सिस्टम को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि सबसे पहले तो प्रोवाइड करेगा DNS सर्वर, एक DNS सर्वर प्रोवाइड करेगा, उसके बाद प्रोवाइड करेगा सबनेट मास्क। बेसिकली जितना भी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी चीजें हैं वो सब प्रोवाइड करेगा, डोमेन का नेम प्रोवाइड करेगा एक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट IP एड्रेस। ठीक है, तो ये चार चीजें प्रोवाइड करता है DHCP जब भी कोई नई नोड आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो DHCP क्लाइंट और सर्वर होते हैं, दे वर्क टूगेदर टू हैंडल द रोमिंग स्टेटस, कि आपका जो मोबाइल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के अंदर गया, रोमिंग सर्विस के अंदर गया, तो वहां पे वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं ताकि आपका जो स्टेटस है, रोमिंग का जो स्टेटस है डिवाइस का, उसको मेंटेन कर सके, एंड टू असाइन द IP एड्रेस ऑन अ न्यू नेटवर्क एफिशिएंटली। मतलब कि सपोज आपका एक डिवाइस था, अभी इस डिवाइस को कोई IP एड्रेस असाइन हुआ हुआ है IP 1 लेट अस से, और वो इस लोकेशन में है, ठीक है, लेट अस से वो लोकेशन नंबर 1 में है। अब ये डिवाइस आपका मूव किया, क्योंकि मोबिलिटी हो रही है, मोबाइल कंप्यूटिंग का टॉपिक है, ये पहुंच गया किसी एक दूसरी लोकेशन के अंदर, दिस इज लोकेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये DHCP क्लाइंट और DHCP सर्वर आपस में काम करेंगे और इसको एक नया IP एड्रेस असाइन कर देंगे ताकि जो आपका सिस्टम है, आपकी जो नोड है, डिवाइस है, वो नेटवर्क से एफिशिएंटली कनेक्टेड रहे। ओके, सो दिस इज हाउ दिस DHCP वर्क्स। नाउ DHCP सर्वर एलोकेट्स एन IP एड्रेस फ्रॉम अ पूल ऑफ IP एड्रेस टू अ क्लाइंट। मतलब बहुत सारे IP एड्रेसेस हैं, पूरा पूल है, उसमें से कोई एक IP एड्रेस क्लाइंट को प्रोवाइड कर देगा। इट डायनेमिकली एलोकेट्स दिस एड्रेस टू ए नोड फॉर ए डिफाइंड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए असाइन करता है, उसके बाद वो टाइम खत्म होने के बाद क्लाइंट को वो IP एड्रेस रिन्यू करना होता है। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं देता, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए देगा और उसके बाद जब वो टाइम खत्म हो गया तो क्लाइंट को अपना IP एड्रेस दोबारा से रिन्यू करना होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है DHCP की मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर? सो इंपॉर्टेंस आपकी सारी आती है मोबाइल वर्ड से ही, जो होती है मोबिलिटी, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या है, मोबिलिटी हो रही है, आपकी डिवाइस एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रही है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जा रही है। सो DHCP प्रोवाइड्स टेम्प्रेरी IP एड्रेसेस, टेम्प्रेरी IP एड्रेसेस प्रोवाइड करता है वेन एवर ए होस्ट मूव फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा था अभी यहाँ पे कि एक नेटवर्क में था तो IP 1 इसको असाइन था, जैसे ही दूसरे नेटवर्क में गया एक और IP इसने इसको इमिजिएटली असाइन कर दिया। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, कनेक्टिविटी ना टूटे उसके लिए। अब किस तरह से IP एड्रेसेस को एलोकेट करेगा, तो तीन मैकेनिज्म है, ऑटोमेटिक होता है, डायनेमिक होता है या फिर मैनुअल होता है। ऑटोमेटिक क्या होता है इसमें, सो DHCP असाइंस अ, ये इंपॉर्टेंट है, सो इट असाइंस अ परमानेंट IP एड्रेस टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट। परमानेंट IP एड्रेस असाइन कर सकता है एक पर्टिकुलर क्लाइंट को, तो वो होता है ऑटोमेटिक। देन डायनेमिक होता है असाइंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जनरल प्रैक्टिस है और यही यूज होती है मोस्टली, सो असाइंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद रिन्यू करना होगा, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड इज मैनुअल। सो मैनुअल में क्या है, एक नेटवर्क एडमिन है, सो इट इज असाइंड बाय नेटवर्क एडमिन, मैनुअली असाइन किया जाएगा, assigned by network admin ठीक है। सो अब इसमें क्या होगा कि जब असाइन हुआ है
वो सारे क्लाइंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है. सो दिस एड्रेस इज इन्फॉर्म टू ऑल क्लाइंट्स. सो ये होता है मैनुअल. सो बेसिकली तीन हो गए, ऑटोमेटिक, डायनेमिक एंड मैनुअल. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से पूरा डीएससीपी काम करेगा. सो दो सिनारियो हैं, या तो सर्वर रिजेक्ट करेगा या सर्वर एक्सेप्ट करेगा. तो ये क्लाइंट है, पहले देखते हैं जब सर्वर रिजेक्ट कर रहा है. सो होगा क्या, क्लाइंट भेजेगा एक मैसेज डीएचसीपी डिस्कवर. तो आपको ये मैसेजेस के नेम याद होने चाहिए एज इट इज. सो डीएचसीपी डिस्कवर मैसेज भेजेगा क्लाइंट सर्वर के पास, मतलब कि एक आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट कर रहा है. डीएचसीपी यहां से इसको एक ऑफर भेजेगा, ठीक है. देन ये रिक्वेस्ट करेगा, बट कुछ प्रॉब्लम से, कुछ रिसोर्सेज की लिमिटेशन से या किसी भी कारण से ये हो सकता है यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए. तो ये बेसिकली एक सिनारियो दिखाया गया कि जब रिजेक्ट होता है तो किस तरह से होता है. सो ये मैसेज इसका कम्युनिकेशन है यहाँ पे. ना अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो डीएससीपी डिस्कवर ही भेजेगा यहाँ पे भी. देन सर्वर इसको भेजेगा एक ऑफर, सो डीएचसीपी ऑफर. देन उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेगा ये, सो डीएचसीपी रिक्वेस्ट. सो बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो ऑफर आया है सर्वर से उसको इस क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया है. यहाँ पे ये ऑफर इसने रिजेक्ट कर दिया था, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है. तो उसके बाद क्या होगा, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा. एंड जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो ये रिलीज का मैसेज भेजेगा. सो ये पूरी वर्किंग है डीएससीपी की. ओके, सो बेसिकली यहां पे ये हो क्या रहा है, इससे सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद एन ऑफर. सो सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद ऑफर, जो भी ऑफर भेज रहा है कि ये आईपी एड्रेस है, इतने टाइम के लिए आप यूज कर सकते हो, वो सब भेजेगा सर्वर, ठीक है. देन इसमें क्या हो रहा है, क्लाइंट आस्क सर्वर टू सेंड कॉन्फ़िगरेशन. क्लाइंट आस्क टू सेंड कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है वो भेजने के लिए कह रहा है क्लाइंट यहाँ पे डीएससीपी रिक्वेस्ट से. सो यहाँ पे इसने एक्नॉलेजमेंट में इंफॉर्मेशन भेज दी. और ये जो डीएससीपी रिलीज है इसमें क्या हो रहा है, क्लाइंट इज स्टॉपिंग द सर्विसेज. क्लाइंट इज स्टॉपिंग द सर्विसेज. सो ये पूरा यहाँ पे वर्किंग है डीएससीपी की. एंड दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव मोर सच वीडियोस नोटिफिकेशन. थैंक यू.